एक आवाज। दिस इज माई फोर्थ टर्म बट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स आई हैव बीन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड डिमांडिंग। जो हमेशा वक्फ जायदादों के तहफ्फुज के लिए ऐवानों में गूंज उठती है। वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। यह आवाज है अकबरुद्दीन ओवैसी की। मुसलमानों को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उनकी जो औकाफी जायदादें हैं अगर उसका तहफ्फुज हो जाता है तो मुसलमान अपना खुद वेलफेयर कर ले सकता है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर कर सकता है, अपनी जहालत का खात्मा कर सकता है। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 2500 एकड़ वक्फ अराजी का तहफ्फुज। दरगाह हजरत फकीर मुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की 50 एकड़ वक्फ अराजी की बाजियाबी। टास्क फोर्स बेगमपेट दफ्तर के वक्फ अराजी बोर्ड के हवाले। दरगाह हजरत ख्वाजा हसन बरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की 1.5 एकड़ वक्फ अराजी का तहफ्फुज। अनीसुल गुरबा की तामीर के लिए PWD डिपार्टमेंट की 1 एकड़ से जायद वक्फ अराजी बोर्ड के हवाले। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ वक्फ अराजी के तहफ्फुज के लिए सरकारी और कानूनी जद्दोजहद जारी। सर हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1600 एकड़, जहाँ पे ईमार है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, जहाँ पे जी है, जहाँ पे और दूसरे हैं। सर लेट मी कमांड रिकॉर्ड एंड से दैट 700 एकर्स इज अनअलॉटेड लैंड। आई एम नॉट सेइंग टू गिव बैक द लैंड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड। I am not saying that stop the ongoing operations over there. I am not saying stop the construction. No, I am just requesting the land which is unallotted, lying vacant, at least wo zameen wapas de. We only demand that a percentage of employment should be given to Muslim minorities.